सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। पहले तो बताएं सर, मार्केट पर आउटलुक थोड़ा वापस से नीचे हुआ है, मार्केट और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो है ही, तो आउटलुक भी दें और साथ ही अपडेट भी। गुड मॉर्निंग अनिल जी। तो देखिए, तीन चीजें हो रही हैं। एक, चाइना में जो है कोविड के केस बढ़ने से लॉकडाउन और लॉजिस्टिक्स की घबराहट है। दूसरी बात, अब हम तेल को नीचे आने से हम सोच रहे हैं ग्रोथ रुक जाएगी और इन्फ्लेशनरी बाकी जो लॉजिस्टिक्स है वो, नहीं तो तेल वापस 99 आ गया जो मैंने आपको इंडिकेट। और तीसरी, आपको पता है बॉन्ड यील्ड राइज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तीनों जगह पे इंडिया सेक्लूडेड। आप देखिए, इंडियन आईटी स्टॉक्स को आपने इसलिए मारा क्योंकि यूएस में नैस्डैक वीक है, बट दोज आर द जिसे फिनटेक स्टॉक्स कहते हैं, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, इंफोसिस आर सिटिंग विद कैश बैलेंसेस ऑफ ओवर 30,000 करोड़। तो आप दोनों चीजों में तुलना नहीं कर सकते। मुझे लगता है ये कंसोलिडेशन है। बैंक्स में आप स्ट्रेंथ देख रहे हैं। दो दिन और है अनिल जी, आपको मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीक से, क्योंकि ये शॉर्ट वीक है, नेक्स्ट वीक से वापस 18,000 एंड अबव के दर्शन हो जाएंगे। एंड दिस टाइम आई कैन टेल यू, क्योंकि आज टीसीएस के रिजल्ट्स हैं, यू विल बी सरप्राइज ऑन द अपसाइड एट द मार्जिन एंड द बेनिफिट ऑफ द रूपी। तो आपको अपडेट भी दे दूं और फिर आपको तीन कॉल दूंगा आज लेने के लिए। बिल्कुल सर, बताएं पहले अपडेट्स। अनिल जी, एसबीआई लाइव, बीईएल, हैल, टेक महिंद्रा, एसबीआई कार्ड, सारों ने टारगेट हिट कर दिए। अब आपको मैं अपडेट दे दूं। मैंने एम्फोसिस बड़ी जोर से कहा था क्योंकि मिड कैप टेक अभी भी मुझे बहुत पसंद है, तो एम्फोसिस में बने रहिए। 3155-60 का भाव है। दिस इज हेडेड टू 3600, 3450, 3500। अब आपके तीन पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। सर प्लीज। तो अनिल जी, दोनों टेक मेजर्स लीजिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे टीसीएस की, और आई वोंट बी सरप्राइज क्योंकि इंफोसिस को आप जो मिस्टर मूर्ति की डॉटर की वजह से थोड़ा अप डाउन देख रहे हैं रशिया, इट हैज नो बेयरिंग्स। सो टेक महिंद्रा इज माय टॉप पिक। 1444-50-48 में लीजिए। 1420 का स्टॉप लॉस, 1520 का टारगेट। टेक, एचसीएल टेक लीजिए, 1137-38 का भाव है फ्यूचर में, डिविडेंड है इसमें 21 तारीख को, और स्टॉप लॉस रखिए 1115 का, 1200 का टारगेट। एचसीएल टेक के नंबर्स और मार्जिन हाईएस्ट होंगे। और परसिस्टेंट, अगेन आई रिएट्रेट, 4670, 4680, 4600 का स्टॉप लॉस, 4850 टू 4900 टारगेट। ए क्या बात है, तो वसीम साहब एकदम बड़े तगड़े बुलिश हुए हैं तीनों ही आईटी स्टॉक्स पर, तो अब खरीदारी करनी है रिजल्ट के पहले सिर्फ और सिर्फ आईटी स्टॉक्स पर। ये है आपके लिए राय वसीम साहब की तरफ से, तीन बेहतरीन पिक्स, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक और परसिस्टेंट सिस्टम, ये तीन स्टॉक है जिन पर करना है आपको।